जवाब दियो। अरे हमें बताओ कहाँ बात है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दियो, अरे देवी भूखा संत चला तो नहीं गया, लेकिन आप ये समझो कि भूखा संत दरवाजे से जा रहा हो। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे समझ में ना आई। बोले सुनो, एक महात्मा ने पूंजी लगाम का संकल्प करवा लिया है। देवी अब ये राजपाट हमारा नहीं है, अब ये राजपाट हमारा नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं महाराज, क्यों चिंता कर रहे हो। देखिए देवियों, पत्नी भई है जो पति की हर एक बात माने। जवाब दियो कोई बात ना है, राजपाट चला गया। अगर आज की मैया होती तो जरूर कहती बेशक मर जाओ जाए, पर हम जो घर छोड़वे वाले ना ही, लेकिन धन्य है वो मैया तारा। जवाब दियो ना तो कोई बात ना, क्यों चिंता कर रहे हो। अरे कहीं परदेश में जा करके रह लेंगे। बोले ना बात जनाए, बात एक और है। बोले का कि बाबा को 60 भार सोना और चाहिए। रानी ने धीरज बंधवायो, जवाब दियो अरे महाराज हमारी बात सुनो, मुझे बेच देना क्योंकि मेरे तन पे आपका अधिकार है, मुझे बेच देना, बालक को बेच देना, खुद बिक जाना, लेकिन बाबा का 60 भार सोना अवश्य चुका देना। हिम्मत बनाई है, राजा एकदम टूट गया था, मैया तारा ने हिम्मत बना दी। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, अरे कहो धनी के यहाँ बिक जाएंगे और हम तीनों प्राणी बड़े प्रेम से गुजर कर लेंगे। महाराज संसार में यही का 4 दिन की जिंदगी है, और ये 4 दिन को मेला है और हंस खेल के समय बिताए ले, क्योंकि दादा दुनिया में जो आया है उसे तो जाना ही है। ध्यान रखें, जो संसार में आया है उसे जाना है। इंसान अपनी श्वास से व्यर्थ जाने कितनी खोता है, इंसान ये श्वास से व्यर्थ गमाता है दादा, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। एक श्वास की भी बड़ी कीमत होती है माताओं, एक श्वास की भी बहुत कीमत होती है। एक श्वास की कीमत पता है कितनी होती है, अगर शरीर से जब पिंजड़ा से एक सांस निकल जाए दादा, जब श्वास निकल जाए ना तो फिर तीनों लोगों की संपत्ति दे देना, फिर शरीर में दोबारा श्वास नहीं आ सकती। एक श्वास की कीमत है दादा तीनों लोगों की संपत्ति, इसलिए ये श्वास कभी व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के चरणों में बिताना चाहिए, क्योंकि दादा ये संसार एक दुखालय है। अगर घर परिवार में बड़ी दिक्कत परेशानियां आती हैं बहुत, और पता है ना आप रामायण पढ़ोगे गीता पढ़ोगे तो एक परिवार को बहुत अच्छे से चला लोगे। अगर कष्ट भी शरीर से पड़ जाए ना, संकट पड़ जाए, फिर भी इंसान महाराज उस दुख को बड़े हंसी के साथ में बिता देता है, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। अगर आज सुख है तो कल दुख जरूर आएगा, और दुख है जीवन में, दुखी हो तो माताओं सुख भी आएगा। हमने देखा कई लोग भजन करते हैं, बैठ के माला जपते हैं, और माला कैसी जपते हैं पता है ना, कहू जब देख लो दो चार लोग आए रे सोई माला राधे श्याम राधे श्याम, मोहन लगी वैसे कोई ध्यान नहीं, बस माता माला पकड़े बताओ तो सोए जावे झपका लेने लगे। आजकल ऐसी माला चल रही है, बताओ नींद खूब सोए रहे और कोई आई है नेक नेगा फेंक रहे, अरे आइए सोई राधे श्याम राधे श्याम, उनकी होने लगी। माला जपो दादा अच्छी बात है, माला जपना